कई किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनको भूसा मोटा करना है, पतला करना है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट वगैरह कहाँ से है और कितना मोटा या पतला भूसा हमारा किसान कर सकता है? हमारे यहाँ हर वेरिएबल टाइप के किसान है, कोई मोटा भूसा पसंद कर रहा है, कोई पतला कर रहा है। तो बिल्कुल इसमें ये क्रूशिंग बोल्ट है, जी जी ये आपके ड्रम जाल को जी कटर से दूर कर देते हैं, नजदीक कर देते हैं। जी तो अंदर से कोई भी सेटिंग नहीं करनी होती है, जी बाहर से ही किसान ड्रम को जाल से दूर कर सकता है, जी नजदीक कर सकता है। आपको पता है जब बेल्ट चलती है वो ढीली हो जाती है, बिल्कुल सर और बेल्ट ढीली हो गई तो जी या तो फिर आप रिप्लेस करेंगे, जी तो जी रिप्लेस करेंगे अनावश्यक खर्चा बढ़ता है, इसलिए बिल्कुल कंपनी ने ये टाइटनर दिया है। जी जी जितना भी जो भी आपका लूज हो रहा है उसको आप इसके मार्फत टाइट कर सकते हैं। जी पर कंपनी में यह कटर वार फिक्स आता है, जी ना अप होता है ना डाउन होता है। तो यहाँ पर जो है हम भाई साहब कटर वार के एडजस्टेबल कर सकते हैं आप एडजस्टमेंट अपनी मर्जी अनुसार जी जितना भी आपको एडजस्टमेंट लेना है तो जी आप उतना एडजस्टमेंट अपने इसके साथ में ले बहुत सकते हैं। डस्ट बढ़िया फैन जो भी धूल रहती है उसको इधर से हवा बना के उड़ा बाहर देता है, जो कि ताकि और ड्राइवर के ऊपर ना आए। तो बिल्कुल सर ड्राइवर, आपका सरकार द्वारा जी सेंट्रलाइज्ड लेजर कटिंग प्लेट आ रही है। जी लेजर प्लेट कटिंग प्लेट की मान्यता केवल उन्हीं कंपनियों को मिलती है जी जो जिनके पास सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जी क्वालिटी कंट्रोल है, आफ्टर सेल सर्विस है जी और हर एक चीज व्यवस्थित नमस्कार किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों को बारीक भूसा मशीन को लेके बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। कई मशीनें ऐसी भी आ रही थी जो भूसा तो बना के दे रही थी लेकिन भाई साहब बहुत मोटा भूसा बना रही थी जिससे पशु जो है उनको बेहतर तरीके से आहार के रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहा था। लेकिन मालवा ने इसके अंदर कुछ ऐसी नई तकनीक और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ है जिसके कारण ये जो भूसा मशीन है पहले से भी ज्यादा महीन और शानदार भूसा बनाने लगा है, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे हमारे साथ जुड़े सर से। नमस्कार सर, कैसे सर। सर नमस्कार सर, हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर जी। जी एक परिचय सर सबसे पहले आपका हमारी ऑडियंस को। जी सर, मेरा नाम अतुल जैन है, जी हमारी फर्म का नाम है पारस ट्रैक्टर्स भूसा वाले, जो कि भगवानगंज सागर में स्थित है। जी और हम लोग 35 वर्षों से कृषि यंत्रों में व्यापार करते आ रहे हैं और एक अच्छे से अच्छी उन्नत तकनीक किसान साथियों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सर, अभी सर जैसे कि हमने बताया महीन और बारीक भूसा को लेके काफी सारी प्रॉब्लम थी जो कि जी मालवा ने काफी अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट की हुई है, तो उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तृत जानकारी दें सर। जी जी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसका जो कटर वार वगैरह है किस जी तरीके से डिजाइन किया गया और कैसे बेहतर है दूसरी कंपनियों से? जी सबसे पहली चीज़, हमारा ये अभी 2024 का जी प्रेजेंट का एकदम करंट मॉडल है, बिल्कुल सर जो पहले से आए हुए मॉडलों से जी काफ़ी कुछ अलग है। जी सर सबसे पहली चीज़, इसमें भारत सरकार द्वारा जी सेंट्रलाइज्ड लेजर कटिंग प्लेट आ रही है। जी लेजर प्लेट कटिंग प्लेट की मान्यता केवल उन्हीं कंपनियों को मिलती है जी जो जिनके पास सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जी क्वालिटी कंट्रोल है, आफ्टर सेल सर्विस है जी और हर एक चीज व्यवस्थित है। बिल्कुल तो सर सबसे पहली चीज़ तो ये आ रही है। ठीक है सर दूसरी चीज़, हमारी जो कंपनी है, जी आपने और भी कई सारी कंपनियों की स्टोरी पर देखे होंगे, तो जी उसमें आपको ये पीटीओ साफ साधने का ये ठिया नहीं मिलता है। जी जी ये हमारी कंपनी में ये पीटीओ साफ व्यवस्थित फंस जाए जी उसका ये ठिया साथ में आता है, ठीक है जिससे आपकी क्रास की लाइफ बनी रहती है। ठीक है अन्यथा आपने देखा होगा कोई लटकी है शाफ्ट है, जी जी लटके लटके क्रास छटक गए, टूट गए, तो तो काफी सारी समस्याओं हाँ को वो देखते हुए कंपनी ने सटीक जी। जो है दूसरा, सारी मशीन में आपके लिए लॉक नट्स मिलेंगे, जी जी मशीन में जितने भी नट बोल्ट लगे हैं जी सारे लॉक नट्स में हैं, जी चाहे आप कहीं भी अंदर देख सकते हैं, जी हर जगह आपको लॉक नट सिस्टम मिलेगा। मतलब सारी चीजों को व्यवस्थित और जी सटीक तरीके से इसके अंदर लगाया गया है। कटर बार साइज अपना क्या होने वाला है कटर सर इसके? वार इसका भैया 7.5 फिट है, जी अन्य का रहता है 7.3, जी यह उससे 3 इंच बड़ा है। और इसमें यदि अपन ब्लेड और फिंगर की यदि अपन बात करें तो कैसी क्वालिटी की होने वाली है सर ये? ब्लेड और फिंगर इसमें जो है, जी और उन्होंने अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटीज के लगाए हुए हैं जी और काफ़ी बढ़िया ये काम करता है। जी दूसरा, अपना इसमें जो कटर वार है जी ये एडजस्टेबल कटर वार है, जी पर कंपनी में यह कटर वार फिक्स आता है, जी ना अप होता है ना डाउन होता है। तो यहाँ पर जो है हम भाई साहब कटर वार के एडजस्टेबल कर सकते हैं आप एडजस्टमेंट अपनी मर्जी अनुसार जी जितना भी आपको एडजस्टमेंट लेना है जी तो आप उतना एडजस्टमेंट अपने इसके साथ में ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। जी अब इसमें मैं एक नया चूहा सिस्टम जो है स्प्रिंग के साथ में देख रहा हूँ, तो जी ये चूहा सिस्टम लगाने का क्या फायदा है किसान भाइयों के हमारे लिए? किसान साथियों ने भूसा मशीन चलाए हैं, जी जी उनको काफ़ी अनुभव है। जी उसमें उनको समस्या ये आती थी जी कि ये
डायरेक्ट इससे अटैच रहता था जी, बिना स्प्रिंग के जी। तो जब कोई पत्थर या कोई लकड़ी का लकड़ा वगैरह लग जाता था जी, तो ये पूरी प्लेट यहाँ से समाप्त हो जाती थी। बिल्कुल तो सर। फिर किसी किसान को वहाँ फैब्रिकेशन वाली दुकान पे जाके नए स्तर से नई चादर लगा के फिर वेल्डिंग करानी होती थी। ठीक, इसमें इतनी अच्छी सुविधा है, अगर टूटता भी है तो सबसे पहले स्प्रिंग उसको एडजस्ट कर लेती है। बिल्कुल, फिर भी लोड ज्यादा पड़ जाए तो स्प्रिंग टूट जाती है, ये नहीं टूटता बर्मा, जो कि काफी अपना अच्छा जो धूल डस्ट आती है जी, जी, उसको उड़ाने के लिए डस्ट क्लीन फैन सिस्टम लगा हुआ है। ये किस तरीके से लाभदायक है किसान भाइयों के लिए? ये निरंतर हम लोग इतने वर्षों से जी, किसानों से जुड़े हुए हैं जी, उनके फीडबैक लेते रहते हैं। बिल्कुल। तो किसानों की हर वर्ष एक ही समस्या रहती थी कि गर्मियों के सीजन में जी भूसा मशीन का उपयोग होता है, बिल्कुल, जिस समय बहुत चिलचिलाती हुई धूप रहती है, गर्मी रहती है जी। तो होता ये था कि जब मशीन चलती थी जी तो साथ में जो धूल धूल होती है, थी भूसा के साथ उसकी आपकी नरवाई की भसी है जी, वो उड़ के सीधा ड्राइवर के ऊपर आती थी। बिल्कुल सर। तो लोग मनमाने पैसे लेने के बाद भी ट्रैक्टर का ड्राइवर नहीं मिलता था किसान के लिए, जी जी उसको देखते हुए कंपनी ने ये डस्ट फैन बनाया है। बहुत बढ़िया। डस्ट फैन जो भी धूल रहती है उसको इधर से हवा बना के उड़ा वाह, देता है जो कि ताकि और ड्राइवर के ऊपर ना आए, बिल्कुल ड्राइवर आपका आसानी से काम कर सके। ठीक है। यहाँ पर मैं एक लीवर देख रहा हूँ, ये लीवर यहाँ पर किस लिए लगाया गया है? जी, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कंपनी की। ये स्टोन सेंसर है, ये अच्छा, आप यहाँ से देख रहे होंगे जी। ये आपकी जो पत्थर आता है जी जी जैसे ही उसमें आता है जी, तो ये सेंस कर लेता है, ये ठीक सेंस है, कर लेता है, ये ट्रे खुल जाती है जी, ये ट्रे खुल जाती है। इधर हमारी कंपनी ने हॉर्न लगाया है जी, ये हॉर्न बीपिंग से, सिस्टम के हाँ माध्यम से किसान या ड्राइवर को जो है जी संकेत दे जी देता है उसको संकेत दे देता है जी। और जो भी पत्थर रहता है वो उधर से बाहर आ जाता है और फिर बिल्कुल बाद में अपन इसको इस तरीके से वापस लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें यदि अपन बात करें जैसे कि ये बेल्ट्स वगैरह की क्वालिटी वगैरह है और बेयरिंग वगैरह की क्वालिटी और पुल्ली वगैरह क्या कैसे साइज की लगाई गई है सबसे इसमें? पहली चीज, पहले जो पुल्लियाँ आती थी वो ठुक के आती थी जी जी जिसको निकालने में बदलने में वो टूट जाती थी जी अब ये सारी कपलिंग सिस्टम में आ रही है। अच्छा, हाँ, इसमें ये पुलर लगा होता है, ये जी नट्स आप जैसे ही खोलेंगे जी तो साथ में ये पुलर निकल आता है जी और जैसे ही नट लगाएंगे टाइट करेंगे तो ये टाइट हो जाती है। ठीक तो है, इससे बड़ी सहजता आ गई है, नहीं बहुत तो पता बढ़िया। पड़े इस महीने मैंने एक सीजन में 2-5 हज़ार की किसान को पुल्ली लग गई जी जी ये बड़ी अच्छी सुविधा इन्होंने बनाई है कपलिंग मॉडल लगा के। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसके यदि हम ड्रम साइज की बात करें और ब्लेडों की तो क्या कैसी ब्लेडें इसके अंदर लगी हुई हैं सर? इसमें करीब 300 से ऊपर ब्लेडें लगी हुई हैं जी आपके ड्रम में, ड्रम में जी जी और आपका जो वो है ड्रम साइज जी जी वो आपका 57 इंच का है। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ यहाँ पर आपको यदि टूल वगैरह स्टोर करने हैं तो जी एडिशनल कंपनी ने जो है दो दो टूल बॉक्स लॉकिंग सिस्टम के अंदर दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से लॉक होते हैं, आसानी से नहीं खुलते। यहाँ भी आपको एक साइड टूल बॉक्स देखने के लिए मिलता है। अच्छा सर, इसके यदि हम पीछे के जो बिनोवर फैन लगे रहते हैं उनकी यदि अपन बात करें तो किस तरीके के और कितने बिनोवर फैन कंपनी ने दिए हैं? ये इसमें डबल ब्लोअर सिस्टम है जी और जो काफी अच्छी हवा बनाते हैं जी, जिससे जो इसका थ्रेशर है जी वो व्यवस्थित रूप से काम करता है। अच्छा, इसमें मैंने देखा सर डबल बिनोवर फैन सिस्टम लगा जी जी हुआ है तो जी, उस हिसाब से भूसा को भी अधिक स्पीड से भरता होगा। हाँ, तो कितने घंटे में ट्रॉली या कितनी ट्रॉली घंटे के ऊपर भर देता ये है? ये खेत पर और मौसम के ऊपर निर्भर करता है जी जी, बाकी फिर भी 25 मिनट में एक ट्रॉली भरने का एवरेज 30 मिनट में आ जाता है। मतलब यदि घंटे का एवरेज लगाए अनंत तो ये 1 घंटे में 2-2.5 ट्रॉली भूसा बड़े आराम से निकाल के देने वाला है। अच्छा, इसको चलाने के लिए कितने हॉर्स पावर की ट्रैक्टर की जो है आवश्यकता हमारे इसमें किसान मिनिमम 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की आवश्यकता रहती है। जी जी जी। अच्छा, मैं एक नई चीज यहाँ पर देख रहा हूँ जैसे कि मालवा में यहाँ पर इन्होंने एक एयर कंप्रेसर हाई पावर भी लगाया हुआ है, ये किस तरह से उपयोगी है? ये ऐसा है जी, अभी तक आपने जितने भी स्ट्रो रीपर में एयर कंप्रेसर देखे हैं जी वो बड़े छोटे पौंड के रहते थे, बिल्कुल उनमें इतनी हवा भरती थी कि वो एक टायर में भी ना बन पाए जी जी। उसको देखते हुए हमारी कंपनी ने इसमें बड़ा जो है कंप्रेसर टैंक लगाया हुआ है जिससे अधिक से अधिक हवा बन जाती है। तो किसान भाइयों को कभी भी सीजन दरमियान पंचर हो जाता है, कोई हवा निकल जाती है या उसको ट्रैक्टर का रेडिएटर साफ करना है क्योंकि धूल भर जाती है उसमें, बिल्कुल उस समय सफाई करने के लिए कोई और विकल्प बचता नहीं है जी। ये फील्ड पे रहता है, इसमें हवा बन जाती है 150 पाउंड तक,
जी, तो आसानी से आप उसको साफ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर यदि अपन बात करें, जैसे कि हर एक बैरिंग है जो अपने यूसी बैरिंग वगैरह होते हैं वो सारे अंदर होते हैं, तो इसमें यदि अपन बात करें ग्रीसिंग वगैरह की, तो किस तरीके से हमारा किसान समय समय पर ग्रीस वगैरह दे सकता है इसके ऊपर? हमारी कंपनी ने जी, इसमें ये ग्रीसिंग की पॉइंट्स हर बैरिंग के ऊपर रहते हैं जी, और इसके मार्फत आराम से आदमी जी ग्रीस कर सकता है, जी अपना ऑयल ले सकता है। साथ ही साथ जो बैरिंग अंदर है उनको किस तरीके से ग्रीस दिया जा सकता है? इसमें ये फ्लेक्सी पाइप जो है लगाए हुए हैं जी, जिनके मार्फत यहाँ आपको परेशानी जाती है जी जी ग्रीस गर लगाने में, बिल्कुल, तो इसके माध्यम से आप यहाँ से ग्रीस आप लगा सकते हैं। अच्छा सर, इसके यदि अपन टायर वगैरह की बात करें तो टायर साइज क्या होने वाला है इसमें? टायर साइज अभी तक आपने ट्रेडिशनल जो स्टोरी पर देखे उनमें 7/19 आती थी जी, जी। हमारी कंपनी ने इसमें 6/50/20 के टायर दिए हैं जी जी, जो की गुट्टीदार हैं जी, और काफी अच्छी गुडियर कंपनी के लगाए हुए हैं जी, और ये सीजन में पंचर नहीं मारते। सर, टायर की जैसे बात हो गई, टायर साइज की बात हो गई, अब कई किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनको भूसा मोटा करना है, पतला करना है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट वगैरह कहाँ से है और कितना मोटा या पतला भूसा हमारा किसान कर सकता है? हमारे यहाँ हर वेरिएबल टाइप के किसान है, कोई मोटा भूसा पसंद कर रहा है, कोई पतला कर रहा है, बिल्कुल। इसमें ये क्रूशिंग बोल्ट है जी जी, ये आपके ड्रम जाल को कटर से दूर कर देते हैं, नजदीक कर देते हैं जी, तो अंदर से कोई भी सेटिंग नहीं करनी होती है जी, बाहर से ही किसान ड्रम को जाल से दूर कर सकता है, नजदीक कर सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, कई बार ये देखा गया है कि बेल्ट जो है चलते चलते यदि अपन को थोड़ा सा टाइट करना चाहते हैं, धीमा या मद्दा करना चाहते हैं, उसके लिए क्या पुल्ली वगैरह की सेटिंग? हमारी कंपनी ने इसमें टाइटनर पुल्लियां दी हुई हैं जी, और उसमें काफी अच्छी एडजस्टमेंट है जी, और जितना मर्जी चाहे, आपको पता है जब बेल्ट चलती है वो ढीली हो जाती है, बिल्कुल सर, और बेल्ट ढीली हो गई जी, तो या तो फिर आप रिप्लेस करेंगे जी जी, तो रिप्लेस करेंगे अनावश्यक खर्चा बढ़ता है, बिल्कुल, इसलिए कंपनी ने ये टाइटनर दिया है जी जी, तो जितना भी जो भी आपका लूज हो रहा है उसको आप इसके मार्फत टाइट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें इसको जो लूजिंग पॉइंट है, आप 8-10 इंच तक की एडजस्टमेंट इसके माध्यम से ले सकते हैं जी जी। अच्छा सर, भूसा उठाते टाइम कई बार क्या होता है खेतों में बालियां भी रह जाती हैं, तो उसमें जो दाना वगैरह होने वाला है तो उसके लिए यदि अपन ग्रैंड टैंक की बात करें तो कितना स्टोरेज इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा? निर्भर करता है कि अनाज छूटा कितना है जी, बाकी 25-30 किलो की लगभग जी ये इसमें ग्रेन ट्री है जी, इसमें माल आपका आ जाता है। यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रेन टैंक लगा हुआ है, इसमें जो है आप ये अनाज वगैरह जो है बड़ी आसानी से स्टोर हो जाता है और यहाँ से जो है आप कोई भी बोरी वगैरह बिछा के उसको ले सकते हैं। आपने जो मालवा कंपनी की तरफ से आने वाले शानदार स्ट्रो रीपर की जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं दोस्तों ये स्ट्रो रीपर का वीडियो और स्ट्रो रीपर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।